इंशाल्लाह इंडिया हमारे आगे कुछ भी नहीं है। टाइमिंग ऑटोमेटिक डॉल। जोहेल जोहेल मुझे ये बताओ, आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो सकती है? काफ़ी मुश्किल है, इस वजह से क्योंकि दोनों एटॉमिक पावर्स हैं, जाहिर है दुनिया तबाह होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसके अलावा ये है कि अगर कोई भी मतलब कि एक छोटा सा भी एटॉमिक बम आप मतलब कहते हैं, कोई भी न्यूक्लियर मिसाइल वगैरह एक्सप्लोड होता है, तो ना कि सिर्फ अगर हम पाकिस्तान वाले इंडिया में करते हैं तो नुकसान ज़्यादा पाकिस्तान का भी है। अगर आप अगर इस्लामिक अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो अपने पहले हमसाया का भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरह इश्यूज चल रहे हैं, कश्मीर इशू है, पानी के मसले और हजारों मसाइल चल रहे हैं, उन सारे मसाइल को देखते हुए किसी भी इशू पे जंग छिड़ सकती है? अभी नहीं, अनकरीब नहीं, लेकिन आने जी बिल्कुल होगी। और अगर होगी तो आपको क्या लगता है, क्या हम इस काबिल हैं कि हम उनसे जंग का मुंह तोड़ जवाब दे सके? नहीं जी करेंगे पूरा। कैसे लड़ेंगे, क्यों नहीं, कोई ऐसा मसला? हमारे पास इतनी सहूलियत मौजूद है इस वक्त, इंशाल्लाह सब कुछ है हमारे पास। आपको नहीं लगता हमारे मुल्क में तो आपस की जंग छिड़ी हुई, हम किसी और से जंग क्या करेंगे? ये मैम पता क्या है, पहले वक़्त में भी जंगें होती रही हैं, ठीक है, पहले लकड़ियों के साथ, तलवारों के साथ, अब भी अगर कोई ना चीज़ हुई तो बंदा इन चीज़ों के साथ लड़ लेगा। चूतिया साला, चार जंगें हुई हैं, पाकिस्तान किसी में फतह हासिल नहीं कर सका, तो अब आपको किस चीज़ के बलबूते पे उम्मीद है? अल्लाह खैर करेगा, वो आप टेंशन ना ले, जो भी देखें, इंडिया एक बहुत ही ग्रोइंग कंट्री है, तो इतनी खुशी का मुकाबला करना इकोनॉमी के लिहाज से तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उन्हें कम्पीट नहीं कर सकते। वह आने वाले वक्तों में अगर यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो सकती है तो वहाँ पे जब बीजेपी रिमूव हो सकती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना जी, इंशाल्लाह। किस चीज़ को देख के आप ये कह रहे हैं? हमारी जो इकॉनमी अगर हम देखें, अपनी जीडीपी देखें, हमारी कमज़ोर है, लेकिन इंशाल्लाह वो फ्यूचर में जो है वो ग्रो कर रही है और मजबूत हो जाएगी, प्लस जो हमारी दिफाई ताकत है वो बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह इंडिया हमारे आगे कुछ भी नहीं है। कितनी बार कहा सस्ते नशे मत किया करो, इंडिया हमारे आगे कुछ भी नहीं है, तो क्या पिछली जो इतनी जंगें हुई उसमें पाकिस्तान की सारी ताकतें कहाँ थी, उसमें पाकिस्तान हमेशा शिकस्त पे ही क्यों रहा है? नहीं, 99 में हमने उन्हें फतह कर लिया था, वो कुछ अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। आई थिंक आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था फौज का और सियासी हुकूमत का, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। 99 में हमने इंडिया में कारगिल फतह कर लिया था, ठीक है, आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से जो है वो जंग जो है वो हम मुकम्मल जीत सर, वो कोऑर्डिनेशन तो हमारी अभी भी नहीं है। हाँ वो नहीं है, उसको मजबूत अगर हम बना लें तो हम हर चीज में बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कर सकते। कैसे? ये है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक ऑटोमेटिक डॉल। अरे कहना क्या चाहते हो? एटॉमिक ऑटोमेटिक डॉल। इमोशनल डैमेज। टेक्नोलॉजी भी है, उसके बाद एटॉमिक एनर्जी भी है, और पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल भी हैं, गन्स भी हैं, ग्रेनेड्स भी हैं, और मुख्तलिफ किस्म के। इंडिया के पास नहीं है? इंडिया के पास भी हैं, लेकिन वो उनका उनकी फौज अफवाज जो हैं, पाकिस्तान की फौज और उनकी फौज में बहुत फ़र्क है। सही खेल गया बैंच।